का कोई हबीब ना हो, खुदा करे कि किसी का कोई हबीब ना हो, ये दाग वो है जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आज ये जो दाग इस सरकार ने किसानों को दिए है, आज आम जनता भी जो किसान नहीं है, जिसका दूर दूर तक किसानी से नाता नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि ये दाग नहीं मिलने चाहिए थे। वो अन्नदाता जो अन्न उगाता था, पूरी दुनिया का पेट भरता था, खुद भूखा सो जाता था, आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसे सड़कों पर उतर कर अपना रोष जाहिर करना पड़ रहा है। कल जब मैं रुद्रपुर के लिए रवाना हुई, तो जब यूपी में एंटर हुई, तो एक नजारा मुझे देखने को मिला जो मैं आप सबके साथ साझा जरूर करना चाहूंगी, जिसको देखकर मेरा दिल रो पड़ा। 26 तारीख कभी भूलती नहीं है और ना कभी भूलेगी। जब 26 तारीख तय हुई कि ट्रैक्टर मार्च होगा, एक शानदार नजारा होगा, तब एक अलग तरह से हम 26 तारीख को देख रहे थे, लेकिन 26 तारीख के बाद हम उसे और अलग तरह से देखने लगे। जो रणनीति अपनाई गई 26 तारीख के लिए, सरकार उसमें बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुई। वो नजारा कल मैंने टोल प्लाजा पे देखा। वो क्या करना चाहते थे? वो हम सब भाई को अलग करना चाहते थे, इस भाईचारे को तोड़ना चाहते थे, और कहीं ना कहीं वो अपने इस चाल में थोड़ा सा कामयाब हुए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो अंधे भक्त थे, उनके उनको वो बहुत खुश है आज। टिकैत साहब हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी उनको कि उन्होंने हम सरदारों की पगड़ी की लाज रखी। 26 के बाद अगर टिकैत साहब ना होते तो शायद आज ये महापंचायतें ना हो रही होती और हमारा भाईचारा टूट चुका होता। कल उस शख्स के शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि हमारे भाई ना तो कभी ये थे ना कभी होंगे। वो सरदारों के लिए शब्द से यूज किए थे। 26 से पहले ये जो चीजें थी ये बदल चुकी थी, लेकिन 26 के बाद उनको फिर वो थोड़ी थोड़ी अपनी चालों में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि जो आंदोलन एजुकेशन आज हमारे एक किसान आगुओं ने खड़ा किया है, उसे हम टूटने ना दें। इसको हम यूं ही बना के रखें, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम अपना समर्थन, अपने सपोर्ट इस तरह से देंगे और अपने इस भाईचारे को ना टूटने दें। अगर आप मेरी बात से सहमत है, ताली बजाकर जोरदार समर्थन दीजिए। कल रात मुझे नींद नहीं आई, वो वाक्या जो मेरे कानों में वो जो गूंज रही थी उस व्यक्ति की आवाज, मुझे नींद नहीं आने दी उसके शब्दों में। और मैं बस आप लोगों से यहाँ पे अपना समर्थन, अपनी सपोर्ट देने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे हमारे बहुत ही सूझवान हमारे बड़े बैठे हैं, वो आपसे अपने विचार साझे करेंगे, अगले आने वाली रणनीतियाँ आपके साथ साझा करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे किसानों को समर्थन देने के लिए आई हूँ। जब गाजीपुर आज से 2.5 महीने पहले, क्योंकि 15 दिन तक तो कोई कलाकार वहां पहुंचा ही नहीं था, जब गाजीपुर का मोर्चा लगा कोई कलाकार नहीं आया, सब सिंगू से टिकरी से मुड़ जाते थे। पहली कलाकार मैं थी जो गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर एक हफ्ता रहकर आई, जितना हो सकता था अपना समर्थन दिया, सेवा की। बाबा कश्मीर सिंह भी हमारे सामने शहीद हुए थे, तब मैं वहीं पर मौजूद थी। तो उन सभी से एक परिवार का नाता जुड़ गया, परिवार जैसे हमारा, जैसे एक परिवार होता है, मेरा एक परिवार बन गया। अभी तक मुझे अभी हुक्म हुआ है मेरे बहुत ही सत्कार योग टिकैत साहब का, हमारे बाबा,
कि कुछ गाकर सुनाओ, लेकिन मैं ये जो अपने विचार थे, अपनी भावनाएं थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। और मैं सिर्फ आपसे यही एक विनम्र विनती करना चाहती हूँ कि अपना साथ, अपना समर्थन, जब तक ये आंदोलन चलता अपना समर्थन बना के रखिए, ये एकता, ये भाईचारा इस तरह से बना के रखिए। और इसी के किसान एंथम 2 लेकर हम आ रहे हैं। किसान एंथम 1 आया था और अब किसान एंथम 2, उसमें से कुछ लाइनें, हो सकता है 4 तारीख तक हम इसे रिलीज करें, इसी भाईचारे के ऊपर उसमें मैंने कुछ लाइनें गाई हैं, तो वो आपके साथ साझा करती हूँ। हम सब इकट्ठे हो यूपी हरियाणा दिल्ली होने जाते नहीं ऐसी हाथ छत के हम सब इकट्ठे हो इन्ह तीन कानूनों के खिलाफ एक हवा चल रही थी।
कोरोना लॉकडाउन का पीरियड चल रहा सी पंजाब दे विच, क्योंकि पंजाब दे विच थोड़ा जिहा किसान जथेबंदियां ने इकट्ठे होके इस मोर्चे नूं अगे वधाउणा शुरू किया। इस मोर्चे दे पहले पड़ाव दे तौर ते असी पंजाब दे सारे MLA ते MP दे घरां तक ट्रैक्टर लैके गए, हजारां दी गिनती ट्रैक्टर मार्च कढ़िया। उन्हां नूं कहा घरां जाके भी जां तां इहनां कानूनां दे विरोध दे विच बोलो जां असी तुहानूं पिंडां च नहीं वड़न दवांगे। सिद्धा की होया कि पंजाब दीआं सारीआं पार्टियां ने किसानां दे हक च बोलना शुरू किया। उस तों भी अगे NDA दी भाईवाल अकाली दल ने NDA मोदी सरकार तो पासा वट लिया, उहदे नाल नाता तोड़ लिया। उन्हां दी मंत्री सी हरसिमरत कौर बादल, उन्हें अस्तीफा देता ते अखीर पंजाब दा अंदोलन अगे वधदा होया पंजाब दे विच सारीआं पार्टियां सारीआं धार्मिक संस्थावां सारीआं समाजिक संस्थावां ते व्यक्तियां ने किसानां दे हक च आवाज़ बुलाउणी शुरू करती ते किसान एकता जिंदाबाद, तीन कानून रद्द करो, घट्टो घट समर्थन मुल लै के रहांगे, ये नारियां दे गिरद पंजाब दे ते बाकी देश दे किसानां ने एक मोर्चा बनाउण दी कोशिश कीती। 26 ते 27 अक्टूबर की गल है, जदों 26 ते 27 सितंबर की गल है, जदों गुरद्वारा रकाबगंज दे विच मीटिंग होई, उत्थे भगत दीआं जथेबंदियां इकट्ठियां होईआं, ते फिर 7 नवंबर नूं गुरद्वारा रकाबगंज दे विच इह मोर्चा सी जिहड़ा इहदा जन्म होया। उदों ही तय कीता गया कि आपां 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली जाणा है। दिल्ली दे वल हरियाणा ते पंजाब दे किसानां ने चाले पाए, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਮੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 100 ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਗਿਆ ਦਾ ਸੋ ਬੈਠ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, 5 ਨਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਲੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ UP ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
कि किसी एक कंट्री लेवल सहमति दोगे कि इतों किसान जथेबंदियां टोल प्लाजे के उत्ते किसानों उठाण तां जो टोल प्लाजे के उत्ते साडे ट्रैक्टर साडियां गड्डियां बिना पर्ची टिकाए तो लगिया करन इहदे नाल ही इसदे नाल ही मैं दसना चाहुंदा कि बीजेपी नूं सब तों वध डर करदा है बीजेपी दे सब तों वध खतरा है कि बंगाल दे विच उहनूं मूंह दी खाड़ी ना पै जाए कितें मैनूं लगदा मूंह दी खाऊगी यूपी दे विच तुहाडा गुआंढी सूबा यूपी है उत्तराखंड है इत्थे बीजेपी दे आगू दम दनांदे फिरदे ने मैं इत्थों तुहानूं दसना चाहुंदा भरावो इहो बीजेपी दा राजा जी ने तिन काले कानून बनाए ने इहो बीजेपी है जिन्हें सानू घट्टो घट समर्थन मुल देण तों पासा वटिया होया हले जां होर किसानां दीआं मंगां ने 4 लाख तों उपर किसान खुदकशी कर चुके ने पर बीजेपी नूं शर्म नहीं आउंदी कि उह साडे कर्जिआं ते लीक मारन दी पहलकदमी करे उह नहीं सानू घट्टो घट समर्थन मुल देण वास्ते तैयार होया हले सो उस बीजेपी नूं की आपां नूं सबक सिखाउणा चाहीदा कि नहीं सिखाउणा चाहीदा जे सबक सिखाउणा चाहीदा मैं तुहाडे तों तुहाडे आगूआं तों तुहाडीआं जथेबंदीआं तों आस करदा कि पछमी यूपी दे अंदर किसानां दी हवा चल रही है पूर्वी यूपी केंद्री यूपी दे अंदर इधर या किसान कॉन्फ्रेंस मैं दावे नाल कहना ऊधम सिंह नगर दे वासीओ मैं दावे नाल कहना कि इस किस्म दीआं कॉन्फ्रेंसां अगर इस किस्म दीआं महापंचायतां केंद्री यूपी अते पूर्वी यूपी पूर्वांचल दे अंदर अगर 5 तों 7 वी हो जाण उहनां दा देख के मूंह मांदरा उहनां कॉन्फ्रेंसां दा उहनां महापंचायतां दा जे दूजे दिन बीजेपी तुहाडे पैरां अगे ना डिग जे मेरा नाम बता दिओ इस करके माहौल गमगीन एक खुशनुमा असि दोनों का मिक्स कह सकते हैं कि एक मिश्रण सीगा जिन्हों वेख के मेरे खुद के अखां दे विचों हंजू निकल आए और मैं भी अपने आप नूं रोक नहीं पाई बहुत भावुक हो गई सो जिहड़ा नवा गीत आ रहा किसान एंथम 2 पहला मैं बहुत पिछों दी मैनूं कहा गया कि थोड़ी जल्दी हैगी है तो मैं जल्दी जल्दी दे विच थोड़े नाल लाइनां सांझा करना भुल गई पर जदों असीं गड्डी च बह के वापस जाण लगे तो मैनूं दस्या गया कि बापू जी ने टिकैत जी ने खुद कहा कि बेटी नूं अज इत्थे सद्दो सो मैं जिहड़ी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ ਰਹੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ ਰਹੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਜੂ ਪੱਟ ਕੇ ਹਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੀ ਡਟ ਕੇ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕੇ
माई भागो जिवें साडियां नी मावां ने, दसम पिता ने जिवें हाथी बनते बनते नी घोड़े दिल्ली दियां राहां दे, जिहड़ा बाद जांगे हुण सोने का नहीं, असीं खड़े आ टिकैत साहब रोने का नहीं, असीं खड़े आ, असीं खड़े आ टिकैत साहब रोने का नहीं, असीं जाउंदे आ, असीं जाउंदे आ टिकैत साहब रोने का नहीं, तुसीं साडे हो असीं थोड़े आ, हुण मोढ़ियां दे नाल मोढ़ियां ऐलान ही होणा, बाकी ऐ हुण रह गए कहिणा जित विच गोडियां, सानूं पुत्ता जिहा जाणो शर्माने का नहीं, असीं खड़े आ टिकैत साहब रोने का नहीं, असीं जाउंदे आ टिकैत साहब रोने का नहीं, इहनां गल्लां नूं मुलक खिलाने का नहीं, असीं खड़े आ टिकैत साहब रोने का नहीं, असीं जाउंदे आ। ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਚਰੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।